हे गाइस, वेलकम बैक। यू आर वाचिंग लर्न इंग्लिश विद कृष्ण। आज का लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि DSSSB, KVS, NVS, SSC, रेलवे इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं। और आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे 25 वेरी इंपॉर्टेंट idioms एंड phrases। वीडियो के लास्ट में मैंने एक प्रैक्टिस सेट भी ऐड किया है, तो उसे हम लगा के देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेसन। The first idiom is at sixes and sevens. It means in state of disorder. इसका हिंदी मीनिंग है अस्त व्यस्त, मतलब सब कुछ इधर उधर फैला हुआ। For example, when I entered the room, everything was at sixes and sevens. Second idiom is an apple of discord. It means cause of quarrel or dispute, मतलब झगड़े की जड़। कश्मीर का तो आप सभी को पता है, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच हमेशा इसे लेकर झगड़ा रहता है। तो हम बोल सकते हैं कश्मीर इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। थर्ड इज अ डार्क हॉर्स। दोस्तों, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि idioms में वर्ड्स कुछ अलग होते हैं लेकिन उनका लिटरल मीनिंग कुछ और ही निकलता है। अब जैसे यहाँ अ डार्क हॉर्स का मतलब एक काला घोड़ा नहीं, छुपा रुस्तम है। इट मीन्स अ कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटी। हमारे फ्रेंड सर्कल में एक ना एक फ्रेंड ऐसा ज़रूर होता है जो छुपा रुस्तम होता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, एक मामूली आदमी। इट मीन्स अ मैन ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस, जिसकी कोई वैल्यू ना हो। फॉर एग्जाम्पल, रमेश इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ इन हिज ऑफिस, नोबडी केयर्स व्हाट ही सेज। नेक्स्ट इज एप्पल पाई ऑर्डर। यहाँ ऑर्डर देखकर समझ जाने की कोई चीज़ ऑर्डर में सही ढंग से लगी है। इसका मीनिंग भी यही है, केयरफुली एंड नीटली अरेंज्ड, सही ढंग से रखा हुआ। एवरीथिंग वॉज इन एप्पल पाई ऑर्डर इन द रूम। सिक्स्थ इज एड फ्यूल टू फायर। ये भी बहुत आसान है, जब हम आग में कोई भी फ्यूल डालते हैं तो क्या होता है, आग भड़क जाती है बहुत ज़्यादा। तो इसी तरह यहाँ इसका मीनिंग है टू मेक अ सिचुएशन वर्स, मतलब स्थिति को और बदतर करना या और ख़राब कर देना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सेवेंथ इज ऑल एट सी, मीन्स कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड, पूरे तरीके से भ्रमित होना। फॉर एग्जाम्पल, वेन द टीचर आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस, आई वॉज ऑल एट सी। नेक्स्ट इज एप्पल ऑफ वंस आई। ये तो आप बचपन से ही सुनते आ रहे होंगे, आँखों का तारा, मतलब बहुत प्यारा। इन इंग्लिश, वेरी लवेबल। फॉर एग्जाम्पल, सोनी इज एन एप्पल ऑफ हिज मदर्स आई। चलिए अगला देखते हैं अब। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। ये भी बहुत ही आसान है। मान लो आपके सामने डेविल है और पीछे गहरा समंदर, तो कहाँ भागोगे आप, बीच में फंस गए ना। तो इसका मीनिंग भी इसी तरीके से है, कुछ दो मुसीबतों के बीच फंसना, मीन्स बिटवीन टू डिफिकल्ट सिचुएशंस। आगे बढ़ते हैं। इज हिट बिलो द बेल्ट, मतलब गलत तरीके से प्रहार करना। इन इंग्लिश, टू स्ट्राइक अनफेयरली और टू हिट इन अ रॉन्ग वे। नेक्स्ट इज बाई लीप्स एंड बाउंड्स। इसका मतलब होता है दिन दुनी रात चौगनी, रैपिडली या बहुत तेजी से। जैसे हम कई बार किसी को विश करते हैं, तुम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करो, मे यू प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ट्वेल्थ इज ब्रेक द आइस। मान लो जब आप मीटिंग में पहुंचे, सब चुपचाप बैठे, नोबडी वॉज स्पीकिंग अ सिंगल वर्ड, लेकिन जब आपने बोलना शुरू किया, इट मीन्स यू ब्रोक द आइस और यू स्टार्टेड टॉकिंग। जो वह साइलेंस थी, आपने उसको ब्रेक किया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। 13th इज टू बर्न मिडनाइट ऑयल। दोस्तों, यहाँ आपको एक पॉइंट पकड़ना है, मिडनाइट मतलब आधी रात। इसका आंसर भी इसी तरह बनेगा, टू वर्क हार्ड टिल लेट नाइट। idiom में भी नाइट वर्ड है और इसके मीनिंग में भी, तो आप याद रखिए, देर रात तक जाकर कड़ी मेहनत करना। नेक्स्ट देखते हैं। बी निप्ड इन द बर्ड मीन्स टू डिस्ट्रॉय अ थिंग इन द वेरी बिगनिंग, शुरू में ही किसी चीज को खत्म या नष्ट कर देना। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। 15th एट वंस विट्स एंड, मतलब कंप्लीटली पजल्ड या कंप्लीटली कंफ्यूज्ड या चकित हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, ललिता कुडंट फिगर आउट व्हाट टू डू, शी फाउंड हरसेल्फ एट हर विट्स एंड। नेक्स्ट इज अ फेयर वेदर फ्रेंड, एक स्वार्थी या सेल्फिश फ्रेंड।
ऐसा दोस्त जो बुरे समय में तुम्हारा साथ छोड़ दे। अच्छे समय में तो सभी साथ देते हैं, बट अ फेयर वेदर फ्रेंड लीव्स यू व्हेन यू आर इन ट्रबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज अ हार्ड नट टू क्रैक। इसमें आपको एक वर्ड पकड़ना है, हार्ड। हार्ड मीन्स डिफिकल्ट, तो इसका आंसर भी इसी तरीके से बनेगा, अ डिफिकल्ट टास्क टू डू या मुश्किल कार्य। फॉर एग्जाम्पल, टू क्लाइंब अ माउंटेन इज अ हार्ड नट टू क्रैक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। तो दोस्तों, हमारा 18th idiom है हैंड इन ग्लव। इसका मतलब है बहुत घनिष्ठ मित्रता, ऑन वेरी इंटीमेट टर्म्स। व्हेन यू आर ऑन वेरी इंटीमेट टर्म्स विद समवन। नेक्स्ट इज लीव समबडी इन द लर्च। यहाँ आपको वर्ड पकड़ना है लीव। लीव मीन्स डेजर्ट। इसका डेजर्ट का मतलब होता है किसी को छोड़ देना, तो इसका आंसर भी कुछ ऐसे ही बनेगा, डेजर्ट समबडी इन हिज डिफिकल्टीज। किसी को परेशानी में छोड़ देना। For example, my family left me in the lurch. Our next idiom is have the edge, means to have an advantage, फायदा उठाना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Next is be in the driving seat. It is quite easy. You know, जो driving seat पर होता है उसके ऊपर सारी responsibility होती है अगर कोई गाड़ी चला रहा है तो, ठीक है। तो इसका meaning भी कुछ इसी तरीके से निकलेगा, bearing all the responsibilities, मतलब सारी जिम्मेदारी का भार उठाना। Next is 22nd, beat about the bush, means to talk in a roundabout manner, घुमा फिरा कर बातें करना। Example, don't beat about the bush, come to the point. Next is 23rd, in broad daylight, यहाँ आपको word पकड़ने हैं day and light, तो इसी तरह इसका मीनिंग भी है इन द क्लियर लाइट ऑफ द डे, मतलब दिन दहाड़े कोई चीज़ होना। फॉर एग्जाम्पल, हिज शॉप वॉज लूटेड इन ब्रॉड डे लाइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। सो 24th इज टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। यहाँ ब्लो का मतलब बजाना। ट्रम्पेट एक बाजा होता है, मान लो एक पर्सन के पास अपना बाजा है और उसे ही बजाता रहता है, तो इसका मीनिंग भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे, टू प्रेज वन सेल्फ, मतलब अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी ही तारीफ करते रहना। आज का लास्ट idiom है कॉक एंड बुल स्टोरी, मींस एक मनगढ़ंत कहानी और अ कुक्ड अप स्टोरी। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए एक प्रैक्टिस सेट लगाकर देखते हैं हम। अगर आप टेलीग्राम पर हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और इस पूरे वीडियो की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैंने उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम प्रैक्टिस सेट लगाकर देखते हैं। फर्स्ट इज टू बर्न मिडनाइट ऑयल। मैंने बताया था आपको कि आपको यहाँ पे वर्ड पकड़ना है मिडनाइट, मींस देर रात तक। तो देखिए कौन से ऑप्शन में लेट नाइट दिख रहा है आपको, दैट इज ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट इज टू ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट। ये भी मैंने अभी बताया आपको कि अपना ही बाजा बजाते रहना, अपना ही ट्रम्पेट बजाते रहना, मतलब अपने ही गुड़गाते रहना। तो ऑप्शंस देखते हैं इसके। ऑप्शन ए टू एंड अ हॉस्टिलिटी, बी टू प्रेज वनसेल्फ, सी टू वेस्ट मनी, डी अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। यहाँ पे देखो बी ऑप्शन देखते हैं, टू प्रेज वनसेल्फ। ओके, सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। थर्ड देखते हैं, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब मतभेद। आई गेव यू एन एग्जाम्पल ऑफ कश्मीर, दैट इट इज़ अ कॉज ऑफ क्वारल बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो ऑप्शंस देखते हैं इसकी। ऑप्शंस ए कॉज ऑफ क्वारल इन स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी अ मैन ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस, ऑप्शन डी केयरफुली एंड नीटली अरेंज्ड। तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, कॉज ऑफ क्वारल ऑप्शन ए। नेक्स्ट फोर्थ इज ऑल एट सी। इसके ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए रैपिडली, ऑप्शन बी टू स्ट्राइक अनफेयरली, ऑप्शन सी टू स्टार्ट टॉकिंग, ऑप्शन डी कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड। मैंने बताया था आपको कि ऑल एट सी का मतलब होता है कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड हो जाना। ओके, पूरे तरीके से कन्फ्यूज हो जाना, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिफ्थ इज ब्रेक द आइस। मैंने आपको मीटिंग वाला एग्जांपल दिया था, वेयर एवरीबडी वॉज सिटिंग साइलेंट एंड एज सुन एज यू एंटर्ड यू ब्रोक द आइस, मींस यू स्टार्टेड टॉकिंग और स्टार्टेड अ कन्वर्सेशन। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए टू स्ट्राइक अनफेयरली, ऑप्शन बी टू स्टार्ट टॉकिंग, ऑप्शन सी
to talk in a roundabout manner. ऑप्शन डी डेजर्ट समवन इन द डिफिकल्टीज. तो आपको ऑप्शन अब इसका पता चल ही गया होगा, ऑप्शन बी टू स्टार्ट टॉकिंग. नेक्स्ट इज हैंड इन ग्लव. इसके ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शन ए कुक्ड अप स्टोरी, ऑप्शन बी सेल्फिश फ्रेंड, ऑप्शन सी ऑन वेरी इंटीमेट टर्म्स, ऑप्शन डी अ कॉम्पिटिटर ऑफ अननोन कैपेबिलिटीज. मैंने बताया था आपको कि इसका हैंड इन ग्लव का मतलब घनिष्ठ मित्रता होना या ऑन अ वेरी इंटीमेट टर्म्स विद समवन. तो इसका ऑप्शन होगा सही ऑप्शन सी. चलिए आगे देखते हैं. सेवंथ इज टू हिट बिलो द बेल्ट. यहाँ पे आपको वर्ड पकड़ना है हिट. हिट का मतलब किसी चीज़ को स्ट्राइक करना. तो यहाँ पे अब आप देख सकते हो कि किस ऑप्शन में वर्ड स्ट्राइक दे रखा है. ठीक है, तो यहाँ पे हम ऑप्शंस देखते हैं, टू गेट वन सेल्फ इन टू ट्रबल, ऑप्शन बी टू स्ट्राइक अनफेयरली, ऑप्शन सी टू गिव अ पुअर शो, ऑप्शन डी सेट अ लिमिट. टू हिट बिलो द बेल्ट का मतलब मैंने बताया था कि किसी चीज़ को गलत तरीके से प्रहार करना, टू स्ट्राइक अनफेयरली. सो द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट. एट इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉ. मैंने आपको बताया था इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा मामूली इंसान जिसकी कोई इंपॉर्टेंस ना हो. तो इसको ऑप्शंस देखते हैं, वेरी लवेबल, ऑप्शन ए वेरी लेजी पर्सन, ऑप्शन बी अ मैन ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, ऑप्शन सी स्ट्रॉन्ग विल पावर, ऑप्शन डी. तो अब आपको मीनिंग इसका पता लग गया होगा, दैट इज ऑप्शन सी अ मैन ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, एक मामूली आदमी. सो द ऑप्शन सी विल बी करेक्ट. नाइन्थ इज लीव समबडी इन द लर्च. दोस्तों मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था कि लीव समबडी इन द लर्च का मतलब होता है टू लीव समबडी इन डिफिकल्टीज, किसी को परेशानी के समय छोड़ देना. और यहाँ पे आपको लीव वर्ड पे ध्यान रखना है. लीव वर्ड पकड़ के इसी हिसाब से हम उसके ऑप्शंस देखते हैं. ऑप्शन ए टू मेक अ मैटर वर्स, ऑप्शन बी लीव समबडी इन डिफिकल्टीज, ऑप्शन सी लीव समबडी ऑन द बैंक ऑफ रिवर, ऑप्शन डी टू बी अनेबल टू डिसाइड. तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है, लीव समबडी इन डिफिकल्टी. टेंथ एंड लास्ट इज टू हैव द एज. इसका मतलब मैंने आपको बताया था, फ़ायदा उठाना किसी चीज़ का और टू हैव एन एडवांटेज. ऑप्शंस देखते हैं इसके, टू हैव लॉट्स ऑफ मनी, ऑप्शन बी हैव कंप्लीट नॉलेज, ऑप्शन सी टू हैव एन एडवांटेज, ऑप्शन डी टू हैव अ लॉट ऑफ ट्रबल. तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी टू हैव एन एडवांटेज. तो आज के लेसन में बस इतना ही. नेक्स्ट लेसन में मैं 25 और इम्पोर्टेंट एडियम्स आपके लिए लेके आऊँगा और वो होगा वीडियो का पार्ट 2. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच माई अपकमिंग वीडियोज़, प्लीज़ हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ.